नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो आपके आने वाली परीक्षा लोअर 2, लोअर NTPC, रेलवे, ग्रुप डी और डाच ग्रेड 2 जो भी एग्ज़ाम आपका कल होना है के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई अपडेटें मिल सकें। देख पाते हैं कि आप कितने तैयार हैं, कितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पाते हैं 20 में से, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? SO2, CO, CO2, DDT। तो आपने गैस कर लिया होगा तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, DDT। नेक्स्ट है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल में। नेक्स्ट है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया लुई पाश्चर ने, बान हैमल्ट ने, रॉबर्ट हुक ने, ओपेरिन ने। तो आपने गैस कर लिया होगा तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओपेरिन। नेक्स्ट है, पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजों से। नेक्स्ट है, निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में, नीम की पानी में या नीम की पत्ती में, या पत्ती लिखा हो नीम के पत्ती में। तो आपका सही जो आंसर होगा, आपने गैस कर लिया होगा तो आपका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू की पत्ती में। नेक्स्ट है, कीट भक्षी पौधा है अमरवेल, ड्रोसेरा, गुलाब, नागफनी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रोसरा। नेक्स्ट है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबल पुरस्कार मिला वॉटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर AG खुराना को, रॉबर्ट हुक को, ब्रिगस एवं किंग को। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉटसन एवं क्रिक। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं लैमार्क, डार्विन, खुराना, मेंडल। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेंडल। नेक्स्ट है, आलू क्या है? जड़, तना, फल, बीज। तो सही आंसर होगा तना। नेक्स्ट है, चेचक के बेसिन को सर्वप्रथम तैयार किया लुई पाश्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने, साल्क ने। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जेनर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? TB पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TV पर। नेक्स्ट है, भारत के लोगों की बसा में पाया जाता है 1-12 PPM DDT, 1-30 PPM DDT, 31-50 PPM DDT या DDT बिल्कुल नहीं। तो आपका सही जो आंसर होगा, जो आपने लगाया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1-30 PPM DDT। आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने आपने अटैम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाड्रिन प्राप्त होता है तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीते से। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीम से। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक होती हैं पौधे, दवाएं, सिरप्स,
टॉक्सिंस। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दवाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? खमीर, लैक्टोबैस प्लस, राइजोपस, राइजोबियम। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है? मैड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू या फिर रेबीज। आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेबीज। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग, बुशबॉल, ऑस्टिन। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वॉटसन। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत। तो आपने लगा लिया होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फेग्नोमेमोनोमीटर या अमीटर। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्फेग्नोमेमोनोमीटर। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।